कुछ क्वेश्चंस बच्चों के बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट बार बार कमेंट में आते हैं, आइए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है 12th क्लास के अंदर, सर मैं हूं अभी, क्या मुझे मई 25 अटेम्प्ट देना चाहिए या मुझे सितंबर 25 अटेम्प्ट देना चाहिए। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बच्चों बोर्ड्स की अभी मार्च 25 वाले, और वो कन्फ्यूज हैं मई 25 उनके लिए बेटर है या सितंबर 25 बेटर है या मैं जनवरी 26 का अटेम्प्ट दूं। तो पहले मैं बोल देता हूं जनवरी 26 बहुत दूर है, उस पे फोकस मत करो, बिकॉज आपके पास इतना इनफ समय आज से लेकर मई 25 तक भी है, सितंबर 25 तक भी है, जिसमें आप इनफ प्रिपरेशन कर सकते हो। आप जनवरी 26 बहुत दूर कायम कर रहे हो, मत जाओ। अब प्रॉब्लम क्या फंस रही है, सर बोर्ड्स की तैयारी करनी बहुत जरूरी है, मम्मी पापा ने प्रेशर मार रखा 12th में 95% आएंगे तो मिलेगी घड़ी वरना छड़ी, यस, या मिलेगी बाइक, है ना, ठीक है, अच्छा गेम है, ओके, बट तेरा फ्यूचर कहां है? डू यू रियली वांट टू बिकम सीए? क्या सीए तेरा मेन गोल है या तेरा अभी साइड लाइन है, पहले मुझे बोर्ड्स फोकस करने हैं, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तब मैं सीए करूंगा। अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो तेरा मई में सीयूईटी होगा, उसके बाद तेरे पास 3-4 महीने का टाइम होगा, तो तेरा प्राइम टाइम सीए की तैयारी में चालू होगा। बट अगर तेरा फोकस है कि सर कॉलेज तो मुझे जाना ही नहीं है, मेरे को एसओएल में पढ़ना है, मुझे पता है सीए की जर्नी में इंटर में जब मैं एडमिशन लूंगा कॉलेज और मेरा इंटर शायद पैरेलली मैनेज नहीं हो सकता, ऐसे मैंने भैया दीदी से सुना, और ऐसा है भी, क्योंकि इंटर के अंदर में जब घुस जाओगे फाउंडेशन पास करके तुम्हारा दिन का लगभग 12-13 घंटे तो यही खा जाएगा। यस, तो ये बात क्लियर है, पहले हमें पता होना चाहिए हमारा एम क्या है। अगर मेरा एसओएल से एम है तो मैं सीयूईटी की तो अच्छे से देना चाहता नहीं, और अगर एसओएल का एम है तो मुझे बोर्ड्स का क्या करना, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स का कोई रिलेवेंट सिर्फ इतना ही है कि मेरे को 70-80% आने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए मैं इंटेलिजेंट हूँ, यस टारगेट मोर देन 80% इतना होना चाहिए। अगर वो तुमको लग रहा है श्योरिटी है मेरी इतनी तैयारी हो चुकी है, रिविजन हो रही है और मैं डेली 7-8 घंटा तो पढ़ ही रहा हूँ बोर्ड्स के लिए, 3-4 घंटा चुरा सकता हूँ, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो ना, फिर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट की, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉ। अगर अभी से तैयारी शुरू कर दी 2 सब्जेक्ट की तो आप आराम से मई 25 वाला अटेम्प्ट, यस, या अकाउंट्स और इको की भी कर सकते हो, बिकॉज आधा अकाउंट्स आधा इको पढ़ रखा है, सीए फाउंडेशन का मिलता जुलता है, थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प ही मिलेगी, बट कुछ कुछ बच्चे लॉ या क्वांट की पहले तैयारी करना चाहेंगे, बिकॉज इसमें थोड़ा सिलेबस भी अच्छा खासा है और इसमें थोड़ा बच्चों को दिक्कत आती है, किसी को रटने में दिक्कत आती है, किसी को मैथ से डर लगता है, तो उनको अभी तैयारी कर देनी चाहिए इस पर। बट अगर आपको लगता है नहीं सर ना मुझे रटने की दिक्कत है ना ही मुझे क्वांट में इशू आ रहा है, तो अकाउंट्स और इको पहले पक्का कर ले, वो तो 2 महीने में कर लेगा। तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, चूज वाइजली। मई 25 जाना है तो जा सकते हो अगर तुम एसओएल से जा रहे हो, बट अगर तुम सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, फुट फोकस हेयर, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट पकड़ लो, लॉ पकड़ लो, क्वांट पकड़ लो या इको अकाउंट्स, व्हाटएवर यू फील लाइक, ताकि थोड़ी बहुत तैयारी अभी से चालू हो जाए और उसके बाद तुम सितंबर 25 के लिए बढ़ना। अच्छा एक एडवाइस मैं दे रहा हूं तुम्हारे लिए, सिर्फ बोर्ड्स वालों के लिए, ट्राई गोइंग विद द रिकॉर्डेड क्लासेस रादर देन गोइंग विद द लाइव क्लासेस। डाउट इंजन हर जगह मिलता है, आप डाउट फैकल्टी से पूछ सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, सारी फैसिलिटी सेम है, बट लाइव लेक्चर के चक्कर में टाइम ज्यादा बर्बाद मत करिए, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से अभी से चालू कर दीजिए। बेस्ट एडवाइस गिविंग, गो एंड स्टडी नाउ, अच्छे से तैयारी करो, मिलते हैं फिर आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, विद द बच्चा बड़ी, लव यू ऑल, सी यू सून।